नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। दया की भीख तो एक इन्हीं प्राणों के लिए नहीं मांगी थी। बार बार घुटने टेक कर बैठी उस संत विदेशनी के झुर्रीदार गालों पर झरझर कर आंसू बहने लगते। उसे क्षमा करना प्रभु, शायद उसे मैं यहाँ न लाती तो ऐसा न होता। शायद वह सड़कों पर भटकती रहती तो ऐसा भयानक पाप नहीं करती। फॉरगिव देम लॉर्ड, फॉर दे डोंट नो व्हाट दे डू। यह बुदबुदाती वे कभी अवश पड़ी देह को निहारती, कभी छाती पर कान लगाती। निष्प्रभ काली भवे और पुतलियां हिलने लगी तो डॉक्टर एक बार फिर प्रार्थना में डूब गई। बहुत पहले बचपन में उनके मामा ने उन्हें एक ऐसी ही गुड़िया ला दी थी। ऐसी ही पल के झपका झपका कर आंखें खोलती और बंद करती थी वह। मेरी बच्ची, डॉक्टर ने उसे गोदी में उठाकर चूम लिया। नहीं, अब देरी करना ठीक नहीं है, वे स्वयं ही बड़बड़ाने लगी। थोड़ी ही देर में पूरा आश्रम जग जाएगा। जगा आश्रम यह जानेगा कि पार्वती ने कल रात एक मृत शिशु का जन्म दिया था। डॉक्टर अकेले ही जाकर अभागी को कहीं गढ़ आई हैं। अपने क्रोशिया के रंग बिरंगे शाल में बच्ची को लपेट उन्होंने अपने लंबे कोट के भीतर छिपा लिया और एक बार फिर बाहर निकल पड़ी। बार बार उनका कलेजा धड़कता मुंह को आ रहा था। यदि उसने नहीं स्वीकारा तब कहाँ रखेंगी इसे? इस ग्रीमांतक वातावरण में, इस दूषित हवा के झोंकों में, जहाँ एक एक हवा का झोंका सहस्त्र घातक कीटाणुओं को बिखेरता जाता है, वहाँ इस सुकुमार जीवन को क्या वे सुरक्षित रख पाएंगी? पर वे इतना क्या सोच रही थी? आज क्या कुष्ठाश्रम में यह प्रथम शिशु का जन्म था? क्या इससे पूर्व कई नवजात शिशु वे मिशन में नहीं भेज चुकी हैं? तब इसके मुंह का बंधन तोड़ने में वे आज क्यों कल्प विकल्प के जाल में फंसी जा रही हैं? एक बार उनकी छाती से लगी नन्ही देह कांपी और साथ ही वे कांप उठी। कहीं फिर कुछ हो तो नहीं गया? कोट का कालर उठाकर उन्होंने झांका। काले झबरे बालों के बीच चमकते माथे पर कंधे झाड़ रहे देवदार के वृक्ष से एक बूंद वर्षा की पड़ी। चिहुक कर छोटे से होठ कांपे। डॉक्टर ने उसे और जोर से छाती से चिपका लिया। कैसी नीरव निस्तब्ध रात्रि थी। एक तो उस निर्जक सड़क पर संध्या होते ही सन्नाटा छा जाता था, उस पर आज ऐसी वर्षा में भला कौन घूमने बाहर निकलता? लाल छत के बंगले को पहचान कर डॉक्टर ने द्वार खटखटाया। कोई उत्तर नहीं आया। हवा चली और साथ ही देर से टहनिया पर संचित वर्षा की कई बूंदें एक साथ झरक कर डॉक्टर पैदरिक पर बरस पड़ी। डॉक्टर ने जोर से दस्तक दी। कौन? बड़ी दूर से तैरता किसी का कंठ स्वर आया। पन्ना, मैं हूँ रोजी, द्वार खोलो। रोजी, तुम इतनी रात को? आओ आओ। राम राम, तुम तो एकदम ही भीग गई हो। रुको, मैं लैंप जला लूं। एक कुर्सी टटोल कर डॉक्टर के सामने खिसका कर पन्ना लैंप जलाने लगी। लैंप के धीमे प्रकाश में पहले वह केवल उस गंभीर चेहरे को ही देख पाई, पर धीरे धीरे दो असीम वेदनापूर्ण कलांत बड़ी आंखों की करुणा दृष्टि उस विशाल वृक्ष से चिपकी नन्ही देह पर उतर आई। यह क्या? एक प्रकार से लड़खड़ाती पन्ना पलंग का पाया पकड़कर बैठ गई। 7 दिन पहले उसकी शून्य बाहों से यही डॉक्टर पैदरिक, जिस सफेद कपड़े में लपेटकर निर्ममता से कहीं दूर गाड़ने ले गई थी, उसे ही क्या फिर गड़े से निकाल लाई? क्या पता फिर उसने जीव देह में प्राण लौट आया हो। रोजी, कहां से लाई इसे? क्यों मुझसे छीन ले गई थी? क्यों तड़पाया मुझे 7 दिनों तक? एक बार फिर पन्ना वैसे ही हिस्टेरिकल होने लगी। डॉक्टर ने बिना कुछ कहे कुनकुनाती बच्ची को पन्ना के गोद में डाल दिया। बहुत भूखी है पन्ना,
दूध अभी उतर रहा है क्या? अनाड़ी हाथों से मृत वत्सा पन्ना ने उसे छाती से चिपका लिया। ब्रेस्ट पंप से सुखाई गई मातृत्व की सूखी लता फिर पल्लवित हो उठी, चप चप कर अमृत की घुटे घुटकती काया को छाती से चिपका कर पन्ना ने आंखें मूंद ली थी और पागलों की भांति स्वयं ही बड़बड़ा रही थी। यह तो तुम्हारा सरासर अन्याय है रोजी, यह भी कैसा मजाक था भला, तुमने इतने दिनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। हाय मेरी बच्ची को 7 दिनों तक बिना दूध के भूखा मार दिया तुमने। कुष्ठाश्रम का ग्वाला जिस गाय को दूने लाता था एक बार फिर उसकी बछिया मर गई थी। दूसरे ही दिन वह भूसा भरी बछिया को गया से टिका कर फिर दूध दूने आ गया था। डॉक्टर पैद्रिक को लगा भूसा भरी बिछिया ही उन्होंने आज पन्ना से सटा दी है। उनकी आंखें डबडबा आईं। पन्ना माय डार्लिंग, बड़े मीठे स्वर से उन्होंने पन्ना को पुकारा। सवेरा होने को है, मुझे अभी लौट जाना होगा। पन्ना ने आंखें खोल दी और सहमी दृष्टि से डॉक्टर को देखा। न जाने किस आशंका से वह कांप उठी। कहीं फिर तो नहीं छीन लेगी इसे? मैं तुमसे झूठ नहीं बोली थी पन्ना, ये रुक रुक कर कहने लगी, यह तुम्हारी बच्ची नहीं है। भूखी बच्ची तृप्त होकर अभी भी उसकी छाती से लगी थी, होठों से स्तन स्वयं छूट गए थे। पन्ना शायद चौंक कर पूछेगी, क्या मेरी नहीं है? किसकी है तब? पर पन्ना ने कुछ भी नहीं पूछा। इतनी देर तक आंखें बंद कर वह अपनी सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ देख चुकी थी। पन्ना, डॉक्टर पैद्रिक ने फिर पुकारा। क्या है रोजी? शांत स्वर में पूछे गए प्रश्न और आंखों की स्थिर दृष्टि में न जिज्ञासा थी न कौतूहल। यह क्या पार्वती की बच्ची है रोजी? उसने पूछा तो डॉक्टर पैद्रिक जैसे आकाश से गिर पड़ी। कैसे जान लिया इसने? क्या मन की भाषा भी पढ़ लेती है यह विलक्षण नारी? उत्तर में डॉक्टर ने सिर झुका लिया। रोगी की ऐसी बीभत्स अवस्था में जन्मी उस बच्ची को उन्होंने पन्ना की गोदी में डाला ही किस दुस्साहस से? पन्ना पार्वती को ही नहीं असदुल्ला को भी जानती है। कई दिनों तक वह उसके बगीचे में माली का काम करता रहा था। डॉक्टर पैद्रिक ने अपनी ही सखी के यहाँ उसकी ड्यूटी लगा दी थी। इसका रिपोर्ट निगेटिव है पन्ना, इससे चाहो तो हाट बाजार का काम भी ले सकती हो, पर लाख हो था तो कुष्ठ रोगी ही। समाज इन अभागों की निगेटिव रिपोर्ट को क्या आज तक मान्यता दे पाया है? ऐसे माता पिता के अभिशप्त संतान क्या इस उदार गोदी में स्थान पा सकेगी? निश्चय ही दूर पटक देगी पन्ना, मैं इसे मौत के मुंह में खींच कर लाई हूँ। डॉक्टर का गला भर आया था। तुम्हें तो बता ही चुकी थी, वह मूर्ख लड़की पहले ही ऐलान कर चुकी थी। पता नहीं कब उसे दर्द उठा और कब यह हो गई। इसी की चीख सुनकर मैं भागी। जब तक पहुंची शैतान उस पर सवार हो चुका था। अभी भी गर्दन पर उसकी अंगुलियों के निशान बने धरे हैं। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाती? मैंने ही तो उसे ये नई अंगुलियां दी थी, तब मैं क्या जानती थी कि वह इनसे एक दिन एक नन्ही जान का खात्मा करने पर उतारू हो जाएगी। पन्ना एक शब्द भी नहीं बोली। बच्ची उसकी छाती से लगी चुपचाप पड़ी थी। मैं जानती हूँ कि इसके माँ बाप को एक बार देख लेने पर कोई कितना ही उदार हृदय क्यों ना हो, शायद ही इसे स्वेच्छा से ग्रहण कर पाएगा। पर मैं तुम्हें जानती हूँ पन्ना, इसी से तुम्हारे पास बड़ी आशा से आई हूँ। एक तो यह समय से पूर्व हुई है, माँ का दूध न मिलने पर यह कभी नहीं जी पाएगी। एक वर्ष तक भी तुम इसे पाल दो तो मैं इसे फिर मिशन को दे दूंगी। एक बात और कहना चाहती थी पन्ना,
डॉक्टर का खिसियाया कंठ स्वर क्षमा याचना सी करने लगा। यह रोग पैतृक ही होता है, ऐसी धारणा गलत है। मेरे पास कई कुष्ठ रोगियों की स्वस्थ संतान का पूरा रिकॉर्ड धरा है। पन्ना गहरे सोच में डूबने उतरने लगी थी। कैसा अनुभूत स्पर्श था, वह गुदगुदी होठ, वह गुदगुदी देह, मखमली होठों की गुदगुदी लगने वाली सीरन, एक असहाय टीस और फिर स्वर्गिक शांति। अचानक छाती में बंधे सब गिल्टियां जैसे किसी ने सोख ली थी। रात भर की थकान, मानसिक अशांति और पन्ना की चुप्पी से डॉक्टर सहसा झुंझला उठी। कुछ कहती क्यों नहीं यह, कुछ तो कहे, हाँ या ना। पन्ना, वे फिर कहने लगी, मुझे लगता है ईश्वर ने शायद तुम्हें इसी महान पुण्य की भागी बनाने यहाँ भेजा है। क्यों है ना? पन्ना हंसी। कैसी अपूर्व रहस्यमय मुस्कान थी उसकी, व्यथा से नीले उन होठों के बंकिम खिंचाव में व्यंग था या उल्लास। क्या वह मन ही मन डॉक्टर पैतृक की हंसी तो नहीं उड़ा रही थी? शायद सोच रही हो, कैसे चतुर होते हैं ये मिशनरी। पन्ना कहीं उसे गलत ना समझ बैठे। डॉक्टर पैतृक का कंठ स्वर फिर गंभीर हो उठा। पन्ना, मैं तुमसे झूठ भी बोल सकती थी। लैंप के धुंधले प्रकाश में वह तेजस्वी चेहरा एकदम निर्विकार लग रहा था। कह देती कि तुम्हारी जिस बच्ची को मैं मरी समझकर गाड़ने ले गई थी, वह फिर जी उठी। एक ही दिन तो तुम उसे देख पाई थी, फिर नवजात शिशु प्रायः सब क्या एक ही से नहीं होते? ऐसे ही घने बाल उसके भी थे और ऐसी ही आंखें, पर मैं तुमसे झूठ बोलकर इसके प्राणों का भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इसके जीवन के अभिशाप के साथ ही इसे स्वीकार कर सको। करोगी ना? डॉक्टर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। पन्ना फिर भी कुछ नहीं बोली। 3 महीने की छोटी सी अवधि में ही यह सर्व सत्यागिनी विदेशी डॉक्टरनी उसके कितने निकट आ गई थी। इस अनजान निर्जन जंगल में जब वह सर्वथा अपरिचित लोगों के बीच एकदम अकेले रहने आई, तो कितने ही शंकालु नयन बांध उसे निर्ममता से बांधने लगे थे। कौन हो सकती थी वह, कैसी विचित्र स्वभाव की स्वामिनी थी यह आसन प्रसवा सुंदरी प्रौढ़ा। मांग में सिंदूर, पैरों में बिछुए, पर न साथ में पति, न सास, न कोई नौकर। ऐसी अवस्था में शहर में न रहकर इस एकांत बंगले में क्या दिखा होगा उसे? न कहीं जाती, न उठती बैठती। कभी कभी लोग देखते वह रामकृष्ण मिशन की ओर चली जा रही है और कभी कुष्ठाश्रम की ओर। पहले मकान मालिक शाह जी कुछ भड़क उठे थे, क्या पता कुष्ठ रोगिनी ही हो। आश्रम में रहने पर कहीं रोग का भेद न खुल जाए, शायद इसी से बंगला ले लिया हो। लुक छिप कर डॉक्टर पैतृक से मन की शंका का समाधान करने शाह जी पहुंचे तो वे हंसने लगी थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी परिचित है, इसी से मुझसे मिलने आती है। जब डॉक्टर ने पन्ना को शाह जी की शंका बताई तो वह बड़ी देर तक हंसती रही थी। कहीं तुमने यह तो नहीं कह दिया उससे कि शरीर का तो नहीं, मन का यही रोग है मुझे। ऐसी गलित आत्मा की विभत्स रोगिनी को जानने पर शायद शाहनी दूसरे ही दिन झाड़ मारकर भगा देगी। रोजी न होती तो कैसे वह रह पाती? प्राय यही सोचती पन्ना कभी कभी बौखला उठती। क्या चाहने पर बड़ी दी उसका पता नहीं लगा सकती थी। 3 महीने में 2 बार वह बैंक से अपने सूद का रुपया मंगवा चुकी थी। बैंक मैनेजर लाहिरी बाबू को बड़ी दी के रूप के पाचक के बिना एक दिन भी खाना हजम नहीं होता था। क्या उस बैल किसी आंखें वाले
तोंदियल लाहिड़ी ने बड़ी दी को कुछ नहीं बताया होगा। उस उपालम के आंसू स्वयं ही पन्ना की आंखों में सूख कर रह जाते। हम में से कौन सी किसकी सगी बहन है पन्ना? बड़ी दी ने ठीक ही कहा था, सगी होती तो क्या उसे ऐसे छोड़ देती बड़ी दी? एक दिन संध्या को वह नए बंगले की लक्ष्मण रेखा पार कर बड़ी चेष्टा से घूमने निकली। भटकती न जाने कैसे डॉक्टर पैतृक के बंगले में पहुंची तो डॉक्टर काट की कुर्सी में बैठी अपनी किसी मरीज के लिए बिना अंगुलियों का दस्ताना बुन रही थी। यही उनका प्रथम परिचय था। इसके बाद तो वह एक दिन भी घर नहीं रही थी। प्रसव काल निकट आने पर डॉक्टर पैतृक की उपस्थिति उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। 40वें वर्ष में यह अनहोना प्रथम प्रसव मुझे क्या जीता छोड़ेगा डॉक्टर? पन्ना ने कुछ ही दिन पहले हंसकर पूछा था। डॉक्टर पैतृक ने उसे तो बचा लिया था पर दूसरे को नहीं बचा पाई थी। कुछ ही पलों तक देखने पर भी उसका एक एक नैन नक्श पन्ना के नेत्र संपुट में बंद हो गया था। तेजस्वी नरसी से पिता के जैसा चौड़ा माथा, वैसे ही कमान सी भ्रुकुटी और वैसे ही तरल आंखें, ठीक से निहार भी नहीं पाई थी कि बिस्तर पर पड़ी नन्ही देह असहाय यंत्रणा से ऐंठने लगी। आंखें टेढ़ी होकर खिंचती खिंचती सहसा स्थिर होकर रह गई थी। 9 महीने तक सही मानसिक और शारीरिक व्यथा का कैसा क्षणिक अंत होकर रह गया था। पन्ना, रोजी के गंभीर स्वर ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। मैं निश्चिंत होकर अब चलूं पन्ना? नहीं रोजी, पन्ना ने सोती बच्ची को उठाकर डॉक्टर की ओर बढ़ा दिया। अब किसी मोह के बंधन में नहीं पड़ूंगी। तुम यह मत सोचना रोजी कि मैं इसके पैतृक रोग के भय से इसे नहीं ग्रहण कर पा रही हूँ, पर तुम मेरी विवशता जानती हो। सिवा बड़ी दी के मेरा और कोई नहीं है। मुझे वहीं लौट जाना होगा और वहां लौटकर एक बार फिर उसी दलदल में डूब जाऊंगी जहां आज तक डूबी थी। अपने साथ साथ इस निर्दोष बच्ची को भी उसी दलदल में डूबो दो। क्या यही चाहती हो तुम? पन्ना, मैं यह सब पहले ही सोच चुकी हूँ। मिशन में रहने पर यह एक ना एक दिन अपने जन्म के इतिहास को जान लेगी और वह दिन इसके लिए बहुत सुख का नहीं होगा। तुम्हारे पास रहने पर यह तुम्हारी ही पुत्री के रूप में पलेगी। फिर कीचड़ के दलदल में भी कमल उग सकता है पन्ना। जरूरी नहीं है कि तुम इसे अपने पास रखो। तुम समर्थ हो, चाहने पर इसे अच्छे से अच्छे बोर्डिंग स्कूल में रख सकती हो। छुट्टियां होने पर इसे साथ लेकर मेरे पास भी आ सकती हो पन्ना। उम्मीद है ये सुनके आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।